रास्ते पर नीममर्ग का इलाका है। नीममर्ग पहुंचने के लिए एक पुरपेज खूबसूरत और बुलंद पहाड़ी सिलसिले से गुजरना पड़ता है। अगरचे सड़क कच्ची है मगर ये रास्ता बहुत खूबसूरत, कुशादा और दिलकश है। नीममर्ग नीम सहराई खित्ता है, जहां पर सतह जमीन से बहुत गहराई में सरसब्ज और खूबसूरत वादियां नखलिस्तानों का मंजर पेश करती है। ये गहरी और सरसब्ज वादियां यहां के कुदरती चश्मों की मरहून मिन्नत है। इन्हीं चश्मों से यहां की जरखेज जमीनों को सैराब किया जाता है। नीममर्ग के गांव में दो मखसूस गुंबद इतने नुमाया नजर आते हैं कि इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये मिट्टी के बने हुए हैं। ये कदीम और बुलंद गुंबद यहाँ के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग मरहूम सैयदना शेख रजब रहमतुल्लाह अलैह का मजार है, जो सदियों कबल यहाँ तबलीग और मुसलमानों की दीनी इस्लाह और रहनुमाई के लिए तशरीफ लाए और फिर यहीं पर मदफून हुए। बलूचिस्तान के दूर दराज से कसीर तादाद में लोग यहाँ आकर मुरादे पाते हैं। यहां पर लोग आकर तबर्रुकन गुंबद की दीवारों पर अपने हाथों से मेहंदी जरूर लगाते हैं ताकि उनकी मुरादें पूरी हो सकें। कबायली लोग अमूमन अपने नौजायदा बच्चों के बाल कतरवाने, खतने और दीगर ऐसी खुशियों के मौकों पर यहां आकर कुर्बानी करते हैं और शाम तक कयाम करते हैं। कबायली रस्म में खुशी का मौका चाप और अतन के बगैर अधूरा रह जाता है। मैंगली चाप यहां का मखसूस रक्स है।